मुझे लगातार फोन करके सामने भी आके कि आपको कौन सी शराब चाहिए, हम आपके कमरे में शराब पहुंचाने का काम करेंगे, और शराब पी के 5 से 6 के प्रवक्ताओं के साथ मीडिया चेयरमैन आके मेरे कमरे पे भी खटखटाते थे। ऐसा कोई विवाद है नहीं, यदि उसको भारतीय जनता पार्टी में जाना है तो जाए, हमारी शुभकामनाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं ये भी सही है। देखिए राजा खेड़ा जी के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं कि मैं संगठन से जुड़ा हुआ नहीं, मुझे अलग अलग जिम्मेदारी मिलती रही है, मैं काम करता रहा हूँ, लेकिन एक संबंध था उसमें कोई बात नहीं, टोकता थी तो मिलते रहते थे। ऐसा कोई विवाद है नहीं, यदि उसको भारतीय जनता पार्टी में जाना है तो जाए, हमारी शुभकामनाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं ये भी सही है। लेकिन जिस प्रकार से अनर्गल आरोप लगाना, किसी की चरित्र हनन करना, जैसे सुशील आनंद शुक्ला पे जो आरोप लगाया है, ये मैं नहीं समझता कि उचित है। आपको जाना है जाइए नहीं। और राम मंदिर के बारे में बोल रहे हैं, जहां गए, अरे भाई प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरे उत्तर प्रदेश के पूरे जेएलपी लीडर और पूरा पीसीसी को सभी दर्शन करने गए थे, उनसे पहले गए थे, तो वहां तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। और जहां तक के बोले कि जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं या अभी हमारे पीडब्ल्यू मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश के, जो अभी मंडी से चुनाव भी लड़ रहे हैं विक्रमादित्य सिंह जी, वो भी गए, तो उनको तो टिकट मिली, तो ये गई थी ये भी पता नहीं हमको, तो इसकी लाभ क्यों कार्रवाई करेंगे। ये आखिरी सवाल ये है कि यह बात यह है कि जो पूर्व कांग्रेस के नेता है प्रमोद किशोर, उनका ये कहना है कि मैं 32 साल से कांग्रेस में अपनी सेवाएं दिया, और ये बात निकल के आई जब बैठक हुई सहयोगियों के इस तरीके से एक महाअभियोग, उनके अगर केंद्र में अगर कांग्रेस सरकार बनती है तो महाअभियोग आयोग ला करके राम मंदिर का जो फैसला है उस फैसले को बदल दिया जाएगा। मतलब ये है कि अब प्रमोद किशन जी को भाजपा में कोई महत्व नहीं मिल रहा है, मीडिया में महत्व नहीं मिल पा रहा है, तो अपने आप को मीडियम बनाए रखने के लिए इतना निकृष्टतम बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही थी, तो वहां के जो मीडिया चेयरमैन थे छत्तीसगढ़ के सुशील आनंद शुक्ला, उनका मैं नाम सुशील तो अब कहना शोभा नहीं देता, दुशील ही कहेंगे उन्हें, तब भी उन्होंने राहुल गांधी जी की यात्रा के दौरान मुझे शराब ऑफर करी। उनके साथ एक और उनके साथी थे धनंजय ठाकुर, और मैं यहां से कांग्रेस के दो लड़कियां जो काम करती थी मीडिया डिपार्टमेंट में वो मेरे साथ थी, और उनके सामने ही हुआ कि लगातार मुझे रात को कमरे में, जब हम कोरबा में थे, जब हम वहां पे यात्रा में वेट कर रहे थे रात को, तो मुझे लगातार फोन करके सामने भी आके कि आपको कौन सी शराब चाहिए, हम आपके कमरे में शराब पहुंचाने का काम करेंगे, और शराब पी के 5 से 6 के प्रवक्ताओं के साथ मीडिया चेयरमैन आके मेरे कमरे पे भी खटखटाते थे। ये बात मैंने सचिन पायलट जी को भी तब कही थी, वहां के प्रदेश अध्यक्ष को भी दीपक बैज जी को भी कही थी, और दिल्ली में भी जयराम रमेश जी से लेकर पवन खेड़ा जी सब तक मैंने ये बात बताई थी कि इस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के समय मेरे साथ किया गया, लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ, मेरा तब भी ध्यान नहीं गया।